गाइस, दिस इज सर्वेश गुप्ता फ्रॉम टेक गुप्ता हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी को अपने मोबाइल फोन या फिर अपने कंप्यूटर पीसी से कैसे डाउनलोड करें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मतदाता दिवस 2021 के मौके पर निर्वाचन आयोग ने अपने जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं या फिर जितने लोगों की एज 18 साल से एबव हो गई है, उनके लिए अपने वेबसाइट को काफी अपडेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल एप्लीकेशन से अपने वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप वोटर आईडी कार्ड की कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका प्रिंटआउट लेके आप कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो वोटर आईडी कार्ड आपकी डाउनलोड होगी, आप हर तरह से मान्य, हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें बारकोड दे दिया गया है जो पूरी तरह से इसको वैलिड करता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं सर्वेश गुप्ता, टेक गुप्ता हिंदी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप को छोड़ देंगे या फिर आपसे एक भी स्टेप मिस हो जाएगी तो आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप बिना रुकावट किसी वीडियो को सारी वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी अपना ब्राउजर ले लेंगे, चलते अपने पीसी पर, यहाँ पर कोई भी ब्राउजर ले लेंगे। आप जो भी ब्राउजर कम्फर्टेबल आपको लगता हो उस ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक से क्रोम ब्राउजर का उपयोग कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर पर यहाँ सिंपल सा आपको टाइप कर देना है, कोई ज़्यादा वेबसाइट लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत, यहाँ पर आप बस सिंपल से लिख देंगे वोटर कार्ड। जैसे लिख के इंटर करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट खुल के आएगी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यह इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है www.nvsp.in। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइट्स दी जाएंगी, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर होम दिया है, अबाउट अस दिया है, लॉगिन दिया है, यहाँ पर ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, और यहाँ पर कुछ और हाइलाइट्स दिए गए हैं कि अगर आप रजिस्टर हैं तो इन फैसिलिटी का आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो इन सारे सर्विसेज का आप उपयोग कर पाएंगे। अगर आपने कभी इस पर अकाउंट बनाया हो तो उसके थ्रू लॉगिन कर लेंगे या फिर नया अकाउंट बना के लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पहले से यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा मांगा गया है। अगर आपने कभी अकाउंट बनाया है तो यहाँ से डाल के लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप नए हैं तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करके न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, अकाउंट बनाना काफ़ी इजी है। इसमें अकाउंट बनाने के लिए बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी पे बस क्लिक करना है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, तो कैप्चा जैसे है वैसे फिल कर लेंगे, सेंड ओटीपी इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे आपके मोबाइल रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी कुछ इस तरह की दिखती है, ओटीपी फिल कर लेंगे अपना, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कुछ और डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे अगर आपके पास ईपिंग नंबर है तो ईपिंग नंबर डाल के रजिस्टर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव ईपिंग नंबर पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट में आपका नाम पूछा गया, फर्स्ट नेम डालेंगे, देन लास्ट नेम, ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी है तो डालें वरना छोड़ दें। उसके बाद एक पासवर्ड चूज कर लें, जैसे मैं एक पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सिंपल आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर यू आर द रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी रहेगी और पासवर्ड जो आपने बनाया है। जैसे आप रजिस्टर सक्सेसफुल्ली हो जाएंगे आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली हो गया है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे आप पासवर्ड आईडी डाल के न्यू पेज पर आएंगे, जैसे ही लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके लिए खुल के आ जाएंगी, ऊपर आपको लिखा होगा। अगर आप फ्रेशर हैं, नया है, इनरोल करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट्स हो जाएंगी। ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, वोटर पोर्टल को चेक कर सकते हैं, सर्च इनरोल को, जो जितने लोग इलेक्ट्रॉल में रोल में सर्च हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉल में हैं उनको चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बेसिक सा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है,
रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फेस इंक्लूडिंग पर इंक्लूजन क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, जहां पर पेज को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको न्यू पेज आने के लिए। जहां पर जैसे ही आप न्यू इनरोल के लिए जाएंगे, यहां पर आपसे पूछा जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ आउट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर है, अगर इंडिया से बाहर है तो इंडिया वाला जो नीचे का ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट, देन आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो, मेरा यूपी है, मैं यूपी पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से आपका असेंबली पॉइंट पूछा गया है, आपका वोटिंग कहाँ पर होता है, उसका जो भी चुनावी क्षेत्र होता है उसको डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ स्टेट। फिर वहाँ से स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, हाउस नंबर, उसके बाद स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी डालेंगे जो भी आपका हो। विलेज या टाउन, टाउन या विलेज जो भी आपका हो। आप एक तरफ इंग्लिश में लिखते जाएंगे, दूसरे टाइप दूसरे तरफ हिंदी में ऑटोमेटिक लेता रहेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलके ही काम होता है। एक तरफ हिंदी रहता है, एक तरफ इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में लिखते जाएंगे। इसके बाद पोस्ट डालेंगे, पोस्ट ऑफिस आपका जो भी हो। देन पिन कोड, पिन कोड मैंडेटरी है। आप हिंदी में जाके कुछ सुधार भी सकते, कोई स्पेलिंग मेरर उसको भी ठीक कर सकते हैं। पिन कोड डालेंगे और जिस दिन आप इस फॉर्म को भरेंगे उस दिन का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ डिटेल्स मांगी गई है। इसमें आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इनकम टैक्स का कोई कागज है उसको देख सकते हैं, बिजली का बिल, वाटर बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी हो, गैस कनेक्शन हो, कुछ भी आपके पास जितने भी आपका एड्रेस प्रूफ हो, आपका नाम हो, उसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पासबुक पर सेलेक्ट करता हूँ और इसकी एक कॉपी स्कैन करके रखना पड़ेगा उसको अपलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ भी मैंने रखा है पासबुक को, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक फैमिली का ईपिक नंबर मांगा गया है। अगर आपके फैमिली में किसी के पास भी ईपिक नंबर है, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उस नंबर को डाल के यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैलेट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ का यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस डाल दीजिए या विलेज फिर से भर देंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब ईच ग्रुप के लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th का, 12th का, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर इंडियन पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पर बेसिक सा बस आधार कार्ड डाल देता हूँ, आधार कार्ड सेलेक्ट करके डाल दिया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। एज डिक्लेरेशन के लिए भी आपको एक फॉर्म डालना पड़ेगा, यहाँ भी मैं आधार कार्ड ही लगा देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, नाम हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर इंग्लिश में नाम डालेंगे, यहाँ पर मिलाते रहेंगे जो लास्ट में है कि सही नाम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, चेंज भी कर सकते हैं नाम को, जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंटेड होके आएगा। यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल या जो भी हो, हस्बैंड वाइफ में यहाँ भी चूज कर लेंगे क्या होना आपके हस्बैंड है, उनका नाम, सरनेम। उसके बाद एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर छप के आएगा। यहाँ पर फोटो चूज कर लेंगे, मैक्सिमम 2 MB का फोटो चाहिए, उससे बड़ा ना हो। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे फिजिकली चैलेंज के बारे में पूछा गया, अगर आप विकलांग हैं या कोई और दिक्कत है तो उसको भरे वरना छोड़ दे। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑप्शनली है और मोबाइल भी ऑप्शनली है, अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दे वरना छोड़ दे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको प्लेस पूछा जाएगा, तो प्लेस आप अपना डिस्ट्रिक्ट को डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जहाँ से आप इसको ऑनलाइन कर रहे हो। देखिए जैसे ही प्रीव्यू कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म आपके पास प्रीव्यू के लिए शो हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्म की सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम या जो भी है, पंचायत आपका कौन सा है, पिन कोड क्या है, या फिर ये जो भी आप डिटेल्स फिल किए हैं, यहाँ पर एक बार उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद
फाइनली आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको शो हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल पर भी रेफरेंस नंबर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। जैसे ही आपका फाइनली सबमिशन हो जाएगा आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और आपके मोबाइल पर भी रेफरेंस नंबर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। मैं इसको भी यहाँ पर कट करके रख लेता हूँ इन फ्यूचर यूज के लिए। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, अभी 2019 नवंबर में जितने भी वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए गए हैं बस उन्हीं लोगों का ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हो रहा है। 1 फरवरी से सारे लोगों का डाउनलोड होने वाला था बट ऐसा हो नहीं पाया है, अभी तक डाउनलोडिंग ले नहीं रहा है। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड डालने के लिए ईपिक नंबर मस्ट है। ईपिक नंबर डालने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यही मैसेज लिख कर रखा, करेंटली ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉल्स न्यूली रजिस्टर ऑफ द नवंबर। जो लोग नवंबर 2020 में रजिस्टर हुए हैं उन्हीं के लिए बस अभी ये सेवा उपलब्ध है, वही लोग अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी एक मैसेज हाईलाइट होते हुए जा रहा है कि आप अभी भी जितने पुराने लोगों का वोटर आईडी कार्ड है वो लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, जिन लोगों का नया है वो लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस सारे स्टेप को फॉलो करके आप वोटर आईडी कार्ड के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाए होंगे। यहाँ पर अभी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही सबसे सक्सेसफुल काम कर रहा है, वर्क कर रहा है और आप सक्सेसफुल से न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बट डाउनलोड के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।